Sulaiman. Yes. Yes. Salam. Madam, ite. Sir, look here, please. Madam, yes, sir. Ite, ite, ite. Sulaiman, yes. Actually, me phone kila na Siddharth Lamoran kodi. Madam, igre. So, igre. Yes, yes. Madam, come on. We almost Sharma's. Hey, Andre. Hey, Siddharth. Yes, yes, yes. Central, yes, Siddharth. Siddharth. Look here, please. Madam. एक मिनट. अरे अरे यार. सोनाली. अरे. सोनाली जी. सोनाली. 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 सिद्धार्थ. आगम मत. एक सवा महीना पहले शिमारो मी जो हमारा OTT ऐप है वो लॉन्च किया है और उसमें इनिशियली हमने बॉलीवुड गुजराती और पंजाबी लैंग्वेज वाइज ये है और उसके अलावा किड सेक्शन है और डिवोशनल सेक्शन है और हमारा डिवोशनल सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसमें लाइव दर्शन वगैरह काफ़ी है ये इनिशियली जो हमने लॉन्च किया था तभी हमने बताया था कि आगे चल के और कैटेगरीज हम और लैंग्वेजेस वगैरह लॉन्च करेंगे तो भी ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है नेक्स्ट कैटेगरी वो मराठी की कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं और इस कैटेगरी में मूवीज़ है थिएटर है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बहुत एक्साइटेड हैं वो वेब सीरीज़ है मनातल्या मनात और ये मनातल्या मनात की कास्ट एंड डायरेक्टर है और हमको ये लग रहा है कि ये मराठी कैटेगरी के लिए इटसेल्फ और लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट एक मोमेंट है क्योंकि वेब सीरीज़ पे विशेष म्हणजे सर आपलं अभिनंदन करतो की मराठीमध्ये कॅफे मराठी ह्या टीमबरोबर मी बरंचसं काम केलेलं आहे आणि मराठीमध्ये सगळ्यात चांगलं कंटेंट आत्तापर्यंत नंबरमध्ये देणारी कॅफे मराठी टीम आहे याच्यावर आपलं असोसिएशन झालेलं आहे येस त्यामुळे मी असं म्हणेल की इंडिया खुश व्हा महाराष्ट्र के साथ तर महाराष्ट्राच्या ऑडियन्ससाठी शेवरीने खूप छान अशी संधी दिलेली आहे त्यांच्या पोर्टवर आपल्या मनातल्या मनात ही वेब सिरीज येते आणि दुसरं मी आवर्जून मनापासून कौतुक करीन या दोन कलाकारांचं सोनाली आणि सिद्धार्थचं खरं तर जे करत असताना म्हणजे कलाकाराला जे डायरेक्टरला पाहिजे ते कलाकार करत असतात परंतु त्याच्याही पलीकडे जाऊन ही दोघं इतके प्रोफेशनल आणि इतके डाऊन टू अर्थ आहेत की खरंच इतर जर इंडस्ट्रीचे लोक जर असतील तर त्यांनी खरंच या म्हणजे मराठी कलाकारांचं मी नेहमीप्रमाणे अभिमानानं म्हणतो की मराठी करतो म्हणून परंतु ह्या दोन कलाकारांनी जे काही कामं केली त्या वेबसिरीजला तर माझं काम खूप सोपं केलं त्यांनी आणि ते मी कबूल करतो प्रांजळपणे पण त्याही पलीकडे त्यांनी स्वतःचं इनपुट इतकं सुंदर दिलेलं आहे सर म्हणजे तुम्हाला जे इंटरेस्टिंग जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उससे बहुत सारी चीजें जो इन्होंने मेरी बहुत आसान कर दी तो एक म्हणजे जे काय चार दोन लोक असतील आपले जोरदार टाळे ह्या दोन कलाकारांसाठी बरे झाले पाहिजे आणि त्यानंतर मी कॅफे मराठी निखिल रायबोले आणि भूपेंद्र नंदन यांचं कौतुक करेन की आम्ही नेहमीचप्रमाणे काही ना काही वेगळं कंटेंट देतो आणि निखिल नेहमी काहीतरी वेगळं काहीतरी कंटेंट घेऊन येतो आणि मराठीमध्ये तरी आत्ता आम्ही सध्या निखिल टॉपर आहोत की बरंच आम्ही कंटेंट देतोय लोकांना आणि शेमोरसारख्या मोठ्या कंपनीचा एक हातभार लागलेला आहे आम्हाला त्यामुळे असं बरंचसं आता फ्युचर प्लॅनिंग करणार होतो आम्ही त्याही पलीकडे आपल्या वेबसिरीजच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर मनातल्या मनात जे आहे ते खरंच मनातल्या मनात हे टायटल देण्यामागचं कारणच हे होतं की ह्या दोघांची मनं तुम्हाला तिथं बघायला मिळणार आहेत म्हणजे दोन सोनाली आणि दोन सिद्धार्थ एकाच पॅकेटमध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत आणि लग्ना अगोदरच्या त्यांच्या काही एका प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये लग्न हा फार महत्त्वाचा एक जवळचा भाग असतो आणि प्रत्येकजण आत्ता तर प्रथा बदललेली आहे आपण एकमेकाशी बोलतो नंबर शेअर करतो वगैरे आणि ही आजची गोष्ट आहे कंटेम्परेरी की दोन जे कपल आहेत ते लग्न करायला जाणार आहेत आणि त्यांच्या ज्या काही पाच भेटी आहेत त्या फार इंटरेस्टिंगली भेटी आहेत म्हणजे त्या आत्ताचे हे जे काही सोनाली आणि सिद्धार्थ जे कॅरेक्टर प्ले केलेलं आहे ते आत्ताचा एक तरुण जो मराठी मुलगा आहे आणि एक मुलगी आहे जे कॉर्पोरेट विश्वातून आलेली आहे हा एक नॉर्मल लेखाच्यातून आलेला आहे आणि ह्यांच्या दोघांतलं कशी केमिस्ट्री आहे त्याच्यातून बऱ्याचशा गोष्टी घडत जातात इवन दोघेही चांगले सुशिक्षित आहेत परंतु दोघांचं व्यक्तिमत्व वेगवेगळं आहे त्यामुळे त्यातली जी मजा आहे ती या वेबसिरीजमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि याच्यापेक्षा
सोनाली आणि सिद्धार्थ जास्त सांगू शकतील, कारण की संवादामध्ये पण ह्या दोघांनी बरंच काम केलेलं आहे. त्यामुळे पुढचं जे काही आहे ते सोनाली आणि सिद्धार्थ आपल्याला. मला वाटतंय आपण आपण प्रश्न विचारूयात का, म्हणजे कन्व्हर्सेशन जास्त चांगलं होईल असं मला वाटतंय की आम्हीच वेब सिरीज बद्दल आमच्या मिनी सिरीज रोल बद्दल सांगण्यापेक्षा चालू शकेल. बनवूनच बोलतो कारण दिसणार नाही. ही वेब सिरीज किंवा मिनी सिरीज आपण असं म्हणूया, हे आम्ही करायला सुरुवात केली तेव्हा एक कॉन्सेप्ट आली होती आमच्या दोघांसमोरही, आणि आम्ही एकमेकांना फोन करून ते ठरवलं की इंटरेस्टिंग वाटतंय काय करूया करूया का. आम्हाला वाटलं करूया, डेफिनेटली करूया, कारण सुरुवातीला कुठलंही काम करायच्या आधी हे आम्ही कायम कुठलंही काम करताना हे पहिल्यांदा बघतो की टीम कशी आहे, माणसं कशी आहेत. माणसं चांगली असतील, माणसं सेन्सिबल असतील, हेल्पफुल असतील, तर काम करायला जास्त सोपं पडतं, कारण आपली मराठी फिल्म इंडस्ट्री अजूनही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगवरती खूप जास्त काम करते. समज एकमेकांबद्दलचा आदर आणि काय म्हणूया आपण एकमेकांना केलेली मदत यावरती आपली पूर्ण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खूप जास्त काम करते. तर ते पहिल्यांदा आम्ही बघितलं आणि आम्हाला कळलं की कॅफे मराठीची टीम खूप एक्साइटेडपणे आणि त्याचबरोबर खूप जेन्युइनपणे, सो त्यांच्याबरोबर आपण काम करायला पाहिजे, कारण दोघांनाही फायदा होईल त्यातनं आणि त्याचबरोबर दोघांनाही काहीतरी नवीन मिळून जाईल असं आम्हाला वाटलं. आणि मग ही वेब सिरीज आमच्याकडे आली. मी काय म्हणू, मी एक या वेब सिरीजमध्ये पूजा करणारा आहे, म्हणजे घरी जाऊन भटजी म्हणतात ना, पण आता आजकाल त्यांना भटजी नाही म्हणत कारण त्यांचे ॲप्स पण आलेले आहेत. सो मी घराघरात जाऊन पूजा करणार आहे आणि अरेंज मॅरेजसाठी मी एका मुलीला भेटतो आणि ती आहे कॉर्पोरेट जगातली, म्हणजे पूर्णपणे हायफाय. मला अजूनही दडपण येतं जेव्हा असं कुठलं हायफाय कोणी आपल्या समोर आलं की तर त्या वेळेला जेव्हा आपण पहिल्यांदा कोणाला तरी भेटतो तेव्हा आपल्या मनात वेगळंच काहीतरी चालू असतं आणि आपण बोलतो वेगळंच काहीतरी. या वेब सिरीजमध्ये तुम्हाला त्या मुलाच्या आणि त्या मुलीच्या मनातलं सुद्धा ऐकायला मिळणार आहे, जे किती डिफरंट असू शकतं, ज्याच्यामध्ये किती तफावत असू शकते हे आपल्याला कळतं. कारण आपण कदाचित समोरच्या व्यक्तीबद्दल वाईट साईडही बोलू शकतो पण ते मनातल्या मनात, तेच मनातल्या मनात जे काही आहे त्याचं एक कॅरेक्टर आम्ही उभं केलेलं आहे आणि ते कॅरेक्टर तुम्हाला या वेब सिरीज मधून मिळणार आहे. पहिल्या असं म्हणूयात की लग्न ठरेल नाही ठरेल हे माहिती नाही आहे, ते तुम्हाला वेब सिरीज दरम्यानच कळत जाईल, पण पहिल्या चार पाच भेटी आहेत त्या दोघांच्या, ज्या ज्या भेटी खूप महत्त्वाच्या असतात अरेंज मॅरेजमध्ये, तर त्या पहिल्या भेटी आहेत ज्या भेटींमधनं रिलेशनशिपबद्दल, एकमेकांच्या कम्फर्ट झोनबद्दल, एकमेकांच्या इनसिक्युरिटीजबद्दल कळत जातं आपल्याला आणि मग पुढे स्टोरी चालत राहते. नमस्कार, थँक्यू आल्याबद्दल. आणि मला खूप कौतुक वाटतं की परत एकदा मी शेमारूशी कनेक्ट झाली आहे, कारण माझी पहिली फिल्म ही शेमारूने प्रोड्यूस केली होती. सो मी या कुटुंबाचा एक भाग आहे, एक हिस्सा आहे, आणि आता शेमारू मीच्या माध्यमातनं पहिल्यांदा मी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती दिसणार आहे. सो इट्स एक्साइटिंग अगेन टू स्टार्ट विथ शेमारू हा नवीन प्रवास. पण लेट मी रिवाइंड गो बॅक टू हाऊ इट ऑल स्टार्टेड. सिद्धार्थनी सांगितलं की आम्हाला फोन आला आणि कॉन्सेप्ट आम्हाला दोघांना एकत्र आवडली, सो ते खूप क्लिक झालं आणि आम्हाला दोघांना एकमेकांच्या ऑपोजिट काम करायचं होतं. गेली बरीच वर्ष आम्ही एकत्र काम केलं आहे क्लासमेट्समध्ये आणि अप्सरा आली या शोच्या माध्यमातून सुद्धा एकत्र काम केलंय, पण एकमेकांच्या ऑपोजिट हिरो हिरोईन म्हणून कधीच काम नव्हतं केलं. ऑपोजिशन मध्ये गेलो क्लासमेट मध्ये, आम्ही वेगळ्या ऑपोजिट टीम्स मध्ये होतो. सो वी वर एक्साइटेड की आपण काहीतरी एकत्र छान केलं पाहिजे आणि ही कॉन्सेप्ट दोघांना आवडली. सो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट आणि आम्ही अर्थात कॅफे मराठीच्या टीमला भेटलो. त्यातनं ही गोष्ट रंगत गेली आणि आम्ही 2 दिवसात 5 एपिसोड शूट केले. गंमत अशी आहे की असं मला वाटलंच नाही की मी शूटिंग करतोय. ह्याचं कारण असं की खूप कॅज्युअल, खूप खरी, खूप रिअलिस्टिक अप्रोच आहे या मिनी सिरीजला. मिनी याच्यासाठी की 10-10 मिनिटाचे एपिसोड्स आहेत, मी तुम्ही तासभर बघताय आणि त्यातनं काय निघणार आहे तुम्हाला काही कळत नाही असं काही होणार नाही आहे. 10 मिनिटात अतिशय कॉन्व्हर्सेशनल, हलकी फुलकी, रिअलिस्टिक कॉन्व्हर्सेशन ऐकायला मिळेल आणि कुठेतरी रिलेट होईल प्रत्येकाला, कारण अगेन
जसं म्हणतात लग्न प्रत्येकाच्या आयुष्यातला खूप महत्वाचा टप्पा आहे. काहींच्या आयुष्यात तो येऊन गेलाय, काहींच्या आयुष्यात येणार आहे. सो आजकालच्या पिढीला लग्नाविषयी काय वाटतं, किंवा अरेंज मॅरेज आपण म्हणतो की कुठेतरी संपत चालली ही कॉन्सेप्ट, तर तशी नाही. आय थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज जनरेशन आर गोइंग बॅक टू इट. तर का त्याच्याकडे वळतायत, किंवा ते कसं इंटरेस्टिंग असू शकतं, हे सगळं या कॉन्व्हर्सेशनमधनं बाहेर येतं. मी एवढंच म्हणेन बाय दी एंड ऑफ इट की मनातल्या मनात का, कारण मन एकत्र दिसत आहेत तुम्हाला. सो मनही बोलतायत आणि कॅरेक्टर्सही बोलतायत. जसं सिद्धार्थनी सांगितलं की आपल्याला अनेक वेळेला मनात काय चालू आहे हे ऐकू येत नाही किंवा दिसत नाही कॅरेक्टर्सच्या, तर इथे तुम्हाला कॅरेक्टर्स काय बोलतायत तेही दिसते आणि त्यांची मनं काय बोलतायत तेही दिसते. सो आम्ही डबल रोलमध्ये पहिल्यांदा दिसणार आहोत दोघंही. टू एंड इट, मला असं वाटतं की कुठलंही लग्न तेव्हा जुळतं जेव्हा मनं जुळतात. तर यांची मनं जुळतायत की नाही या 5 एपिसोडमधनं तुम्हाला बघायला मिळेल. खूप मजेशीर आहे, खूप एंटरटेनिंग आहे आणि खूप फ्रेश आहे. थँक्यू. आवडेल सगळ्यांना. क्यों वेब सीरीज तो मराठी में है? हिंदी के लिए कौन देखेगा फिर वेब सीरीज? मैं देखेंगे. हिंदी में सबटाइटल्स है शायद. अगर हिंदी वाला ऑडियंस है तो चलो ना. लेट्स डू इट. हेलो. वेब सीरीज का नाम है, जो मराठी में है वेब सीरीज, उसका नाम है मनातल्या मनात. तो जब अरेंज मैरिज के लिए, आजकल थोड़ा कम हो चुका है अरेंज मैरिज, लेकिन जो भी करते हैं वो अरेंज मैरिज करने से पहले एक दूसरे को मिलते हैं 5-6 बार बोली, या फिर जितना समय उनको चाहिए उतना, उतने टाइम के लिए वो मिलते हैं एक दूसरे से. लेकिन हमेशा ये होता है कि पहली मुलाकात में हमारे मन में जो चल रहा है वो कुछ डिफरेंट होता है, और हम जो सामने बात करते हैं उस लड़की या लड़के के सामने वो बात अलग होती है. लेकिन अगर अपने मन में जो चल रहा है वो भी सुनाई दे और हम जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे तो थोड़ा सा, और वो दिखाई भी दे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल वेब सीरीज. उसमें कुछ नेटफ्लिक्स में आजकल जो हम देख रहे हैं ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल बट अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स से पहली मुलाकात. नहीं नहीं, सोसाइटी नहीं, सोसाइटी नहीं, हम वही कह रहे हैं कि सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे. इट्स ऑल अबाउट अरेंज मैरिज से पहले, शादी के बारे में डिसाइड करने से पहले जो 5 दिन रहते हैं जहाँ पे हम मिलते हैं, 5 मुलाकातें, तो उन मुलाकातों में क्या होता है, क्या बात करते हैं, और हमारे मन में जो चल रहा है वो क्या बोल रहा है वो भी हमें सुनाई देगा. हाँ, लेकिन विवाह में शाहिद कपूर और अमृता राव और डायरेक्टर सर, उनके मन में क्या चल रहा था वो हमें सुनाई नहीं दिया बिल्कुल. वो सिर्फ हमने फिल्म देखी, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी सुनाई देगा जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता, नॉर्मली हमें सुनने को नहीं मिलता. सबसे पहले जब मुझे फोन आया तो मैंने कॉन्सेप्ट सुनी, मुझे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अभी आपने पूछा कि ये किसी फिल्म से मिलती जुलती है क्या, तो वैसा अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज और मैरिज फॉर दैट मैटर रिलेशनशिप्स, ये हर फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से देखने को मिलता है. सो शादी और रिलेशनशिप कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट जो नई है वो ये है कि जो हमारी मन में चल रहा है वो आपको दिख रहा है. बहुत कम, मैंने ऐसी कोई फिल्म शायद देखी नहीं है या कोई ऐसी वेब सीरीज़ भी देखी नहीं है जिसमें आप किरदार और किरदार के मन इनको साथ में एक ही फ्रेम में देख रहे हैं. तो आपको यूजुअली क्या होता है कि हम बहुत कुछ चीज़ें दिखाते नहीं हैं जो हमारे मन में होती है. यहाँ पे मन की बातें भी दिख रही है, और जो हम झूठ या फिर जो हम डिप्लोमेसी या फिर अच्छा अच्छा जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिख रहा है. सो कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारे मन के विचार और हमारे विचार एक हैं या नहीं है वो, या फिर वो कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो दिखाने की कोशिश है. तो वो मुझे अलग लगी, क्योंकि मैंने कभी डबल रोल किसी भी फिल्म में प्ले नहीं किया है. आई एम श्योर सिद्धार्थ ने भी नहीं किया. सो हमारे लिए सबसे हुकिंग पॉइंट यही था कि हम एक ही फ्रेम में दो अलग अलग किरदारों में नज़र आ रहे हैं. एक हमारा जो रियल कैरेक्टर है वो, और जो हमारे मन है वो. तो ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा USP लगा मुझे इसका, और आई एम श्योर सिद्धार्थ को भी. दैट्स वाई वी गॉट हुक्ड, एंड फिर हमने डिसाइड किया कि साथ में करना है.
दो चीजें इस फिल्म में नहीं है, डबल रोल आपका प्लस फर्स्ट टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जी आ रहे हैं, जी क्या माइंड में चल रहा था, कुछ नर्वसनेस थी क्या था? नर्वसनेस नहीं थी डेफिनेटली, बिकॉज सी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर आवर फ्यूचर नाउ, दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ईच एंड एवरी डे, और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है. ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ वो मतलब नंबर्स वाइज आते जा रहा है, वो बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे. और हम भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से हम हर एक माध्यम में काम करें, जैसे हमने टेलीविजन में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, थिएटर भी किया है, और अभी साथ में फिल्म टीवी और अभी वेब सीरीज, वेब सीरीज के लिए. सो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करना तो डेफिनेटली एक ख्वाहिश थी, एंड नाउ इट्स हैपनिंग. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है ओटीटी प्लेटफॉर्म की, कि वो एंटरटेनमेंट, वो सिंप्लिसिटी हमें कहीं पे भी मिल सकती है. मुझे घर जाने के लिए मुझे राह देखनी नहीं पड़ती कि मैं अभी कब घर पहुंचूंगा, कब मैं ये वेब सीरीज़ देखूंगा, ऐसा नहीं होता. अभी मैं कार में बैठा हूँ, ट्रैफिक में अटका हूँ, मैं मेरा पूरा सीजन ख़त्म कर सकता हूँ. सो इट्स दैट सिंपल, एंड पीपल शुड गेट दिस एंटरटेनमेंट, आई बिलीव दे शुड गेट दिस. सो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं था, उल्टा मैं कहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि OTT प्लेटफॉर्म पे और शिमारू के साथ कुछ तो करने जा रहा हूँ, बिकॉज शिमारू इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, एंड वी हैव, आई हैवंट वर्क्ड विद शिमारू बिफोर, बट येस आई एम एन ऑडियंस ऑफ शिमारू. पहले उनकी पुराने फिल्मों की VCDs DVDs मिलती थी, एंड आई यूज टू बाय दैम बिकॉज दे वर द ओनली पीपल हु यूज टू सेल दोज VCDs ऑफ ओल्ड फिल्म्स. सो आई बिलीव Shimaru has taken a huge leap and they are coming up with beautiful content, and I'm sure ki coming future Shimaru OTT platform ke liye filmein bhi banayenge. जी मेरी फिल्मी करियर की शुरुआत ये शिमारू से हुई थी. शिमारू ने मेरी पहली मराठी फिल्म प्रोड्यूस की थी, बकुड़ा नामदेव घोटाले, और उसके बाद शिमारू के साथ मैंने काफ़ी हद तक कोलैबोरेट किया हुआ है. अभी एक शिमारू भक्ति ऐप के लिए भी गाना किया जो जावेद अली ने गाया है, सो यू नो भजन आरती कैटेगरी में है. और अभी ये शिमारू मी ऐप आपके लिए पहली मराठी वेब सीरीज़ लेके आ रहा है जिसमें हम लोग साथ में काम करें, और ये मेरी पहला प्रोजेक्ट है OTT प्लेटफॉर्म के लिए. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि शिमारू के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप इतने सालों से बना हुआ है, और आई एम ग्लैड कि शिमारू आपके घरों घरों तक अलग अलग तरीके से पहुँच रहा है. सो अब ये जो वेब सीरीज़ है ये टारगेटेड है टू द यूथ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी मिनी सीरीज़ है जो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं. Yes, जो आप अपने घरों में लगा के देख सकते हैं. That is very important nowadays. जो आपको छुपा के नहीं देखनी पड़ेगी, आपकी मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, और आवाजें सुनाई दे रही है, सब कुछ नहीं. हमारा पहला कंडीशन ये था कि इसमें गालियां नहीं होनी चाहिए. अननेसेसरीली, क्योंकि आजकल ऐसे होते जा रहा है कि वेब सीरीज बनाए तो थोड़ी सी गालियां डालते हैं उसमें, थोड़े से वल्गर लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऐड करते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ टुडेज वेब सीरीज. सो टुडेज वेब सीरीज इज नॉट अबाउट दैट. अगर उस स्टोरी की, उस किरदार की ज़रूरत है कि उसने गालियाँ देनी चाहिए तो देनी चाहिए, एंड पीपल आर, मतलब जो ऑडियंस है वो होशियार है, वो पागल नहीं है कि वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है कैरेक्टर के मन में. तो इस वेब सीरीज में हमारे मन भी दिख रहे हैं, तो इसमें देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर इज नो क्या, कुछ भी अश्लील नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है. वेरी सिंपल फॉर अ फैमिली एंड मेड वेरी जेन्युइनली. फाइनल टू क्वेश्चंस मैम, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है दूसरे साथ में काम करने का? म्यूजिक वीडियो शिमारू को बोलना. हाँ, अभी अभी अगला जो म्यूजिक वीडियो है शिमारू का वो हम दोनों को लेके ही होने वाला है, सब सुन रहे हैं. और अभी हम लोगों ने एक्चुअली बहुत काम, थोड़ा काम किया साथ में, बहुत काम करना बाकी है. yes. हम लोगों ने क्लासमेट्स, अभी सब कुछ बाकी है, अभी सिर्फ क्लासमेट्स में हमने साथ में काम किया था जिसमें हम लोग एक्चुअली साथ में नहीं थे. yeah. एक दूसरे के ऑपोजिटली पेयर्ड नहीं थे, तो वो कभी हमको मौका नहीं मिला. अगेन अप्सराली में ये एंकर था, मैं जज थी, तो हम लोग का से दूर का रिश्ता था. अभी वो थोड़ा सा पास आ गया है. पहली बार हम लोग एक दूसरे के साथ हीरो हीरोइन जैसे काम कर रहे हैं, तो आई होप अगली बार हम लोग एक दो घंटे की फीचर फिल्म में बनाएंगे, काम करेंगे साथ. yes. में. और
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या आ रहा है? मेरा तो कुछ खास नहीं आ रहा है, मेरा टाइम है, इसका बहुत कुछ आ रहा है। मेरा बहुत कुछ आ रहा है। मैं बताऊं तेरा क्या क्या आ रहा है? हां, जो अनाउंस नहीं करना है करूं मैं अभी कुछ अनाउंस नहीं कर सकती, बट सिद्धार्थ जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। आज 8 तारीख है तो आज शाम से, आज शाम से नहीं थाम ना जरा, आज शाम से आपको हमारी मनातलिया मनातलिया शेमारू मी ऐप पे देखने को मिलेगी। ये सिद्धार्थ का रीसेंट प्रोजेक्ट है, अगला प्रोजेक्ट वो खुद बताएगा। So, अगला प्रोजेक्ट आई एम डूइंग टेलीविजन आफ्टर से लाइक 10 इयर्स फिक्शन, मैंने फिक्शन टेलीविजन जो मैंने शुरुआत की थी मेरे करियर की वो स्टार प्रवाह के एक टेलीविजन शो के साथ की थी। अभी 10 साल बाद मैं वापस टेलीविजन कर रहा हूँ एंड आई एम अ वेरी इंटरेस्टिंग टेलीविजन शो वी आर कमिंग अप विथ जिसका नाम है जिवलगा, जिसके प्रोमोज भी शुरू हो चुके हैं और आपको स्टार प्रवाह पे वो 22 तारीख से शाम को 8:30 बजे देखने को मिलेगा। उसके बाद एक वेब सीरीज़ आएगी मेरी इसके अलावा जो है हॉटस्टार पे, इट्स अ हॉटस्टार ओरिजिनल वेब सीरीज़, इट्स आल्सो डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर वो है। और इन कमिंग मे देयर विल बी अ रिलीज ऑफ अ फिल्म, अ मराठी फिल्म, अ मराठी लव स्टोरी जिसमें मैं और मृण्मयी देशपांडे एक साथ काम कर रहे हैं। कितना सारा तो काम हो गया यहीं पे। नहीं, वो कर चुका हूँ मैं, वो अभी रिलीज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। सो यस, थैंक यू, थैंक यू। जी, मेरा नाम संदीप नवरे, मैं डायरेक्टर हूँ और सबसे मतलब अभिनंदन के बात की हिंदू के हिसाब से अभी हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है और हिरेन भाई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट शेमारो के थ्रू जिसके वजह से इंडिया सचमुच खुश होने वाला है ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए मराठी में जिसका टाइटल है मनातल्या मनात। तो मनातल्या मनात ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हर एक शख्स के ज़िंदगी में शादी एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है, यू टर्न होता है और उसी चीज़ को पकड़ के हमने अभी कंटेम्प्रेरी जो भी जितने भी कपल्स आजकल लव मैरिज कर रहे हैं या रि मैरिज कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है एक बंदे के सामने, क्योंकि एक लाइफ गुजारनी है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक मीटिंग्स दिखाया है कि एक कपल जो है वो शादी करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, उनके माँ बाप उन्होंने डिसाइड कर लिया लेकिन इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया और इनके 5 बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हैं। वो मीटिंग्स में क्या क्या मुद्दे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी मुद्दे भी बात होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं, कुछ उनके कैरेक्टर के हिसाब से होते हैं, कोई सिचुएशन होता है। तो ये 5 जो मीटिंग्स हैं वो हमने इस वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ इस वेब सीरीज़ के थ्रू कि अभी जैसा कि यह है कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी तरीके से आ रहे हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं शेमारो से अभी एसोसिएट हुआ हूँ। इतनी बड़ी OTT प्लेटफॉर्म इनका है कि मतलब मैं अर्ली ईयर्स में मैं सीडीज़ और सारे शेमारो के खुद ही मैं देखते फिल्में देखते थे तो हम उन्हीं के ही सारे देख के बड़े हुए और आज अभिमान से कि आज उसी कंपनी में मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है। तो जैसे ये समय के साथ ये कंपनी ने अपना मोटो, अपना काम करने का तरीका, उस वक्त जो चीज़ें चल रही है उसको अपना के करना, तो आज अभी जो वेब सीरीज़ जो आ रही है वो सारे यंगस्टर्स के नज़र में रखे वेब सीरीज हमने बनाई है। तो ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है लेकिन हर एक OTT प्लेटफॉर्म हर एक को एक फ्रीडम होता है कि मुझे क्या देखना है। वैसे ही ये हमारे कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं कि हमें अगर शादी हम माँ बाप ने हमारे डिसाइड किए तो हमें यस बोलने का हक़ है, तो वो हक जो है वो ज़बरदस्ती नहीं चाह रहे, वो एक समझौते से आना चाहिए। तो वो समझौता है अभी कंटेम्प्रेरी, क्योंकि अभी यंगस्टर जो है आप अगर कोई चीज़ बताने जाओगे सामने से तो उतना ईजिली नहीं मानते हैं, तो लेकिन उनको उनके तरीके से समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो यही बस एक तरीका हमने इस मैरिज के बारे में कि मैरिज ये जो है इंडियन इसमें हम लोग बहुत उसको क्या कहते हैं एक दर्जा, एक घर के बाद जो एक दूसरी जो चीज़ आती है वो मैरिज है, क्योंकि वहाँ से एक फैमिली से एक कहा व्हाट्सएप एक जोक्स घूम रहा था कि जो हस्बैंड जो है पूरा बारात लेके चले जाता है लेकिन एक शेरनी जो अकेले आती है सिर्फ तो हम तो सारे बारात लेके चले जाते हैं वहाँ से एक लड़की सिर्फ आती है अकेले से। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारा जो कल्चर है इंडियन कल्चर है वो बहुत वास्ट है और उसी कल्चर के वजह से हम आज हम लोग टिके हुए, पूरा इंडिया टिका हुआ है और ये कल्चर का हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और अंडर करंट में यही है कि इंडियन कल्चर को हम लोग ये भी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आज ठीक है आप लव मैरिज है किसी से आप कनेक्ट हो जाते हो जल्दी सब ठीक है लेकिन वो होने के बावजूद भी कौटुंबिक परिस्थिति हमेशा अच्छी रख के अगर वो रिलेशन किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप?
पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने शिमारू में लॉन्च किया था एज अ ओटीटी सर्विस करीब 1.5 महीना पहले, और अभी उसमें तभी हमारे कई सेक्शन थे, मेन ज़्यादा करके बॉलीवुड रिलेटेड थे, फिर गुजराती, पंजाबी और डिवोशनल था, और किड्स, ये 5 सेक्शन हमारे थे। अभी ये 6th सेक्शन, एक नेक्स्ट सेक्शन जो हम जोड़ रहे हैं, उस और उसी समय हमने सब दर्शकों को ये बताया था कि हम ऐड करते जाएंगे नए नए सेक्शन, तो अभी मराठी का पूरा जो हम सेक्शन जोड़ रहे हैं उसमें, उसकी एक हाईलाइट जो लॉन्च के टाइम पे हम पेश करना चाहते हैं लोगों को, हमारे दर्शकों को, वो ये है कि जो वेब सीरीज़ है, पहली बार एक बहुत ही अच्छी तरह से कही गई कहानी, बहुत इट्स अ मिनी सीरीज़, ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि बड़े इसमें 100, 200, 25, 50 एपिसोड हैं, इतने नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत सिंपल है जैसे सर ने बताया, तो उसी के साथ हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं, और इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जितने आज दर्शक हैं मराठी के, यूथ हो या जिनकी शादी भी हो गई है, उनको भी एक बार ये देखने में बहुत रस रहेगा, और इसके अलावा मूवीज़, ड्रामा, बहुत कुछ और है इस हमारी मराठी की ऑफरिंग में, शिमारू मी में, तो अच्छा एक गुलदस्ता है जो सब मराठी प्रेक्षकों को मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए, पर्टिकुलरली जो डिजिटल पे देख रहे हैं। खास किस तरह से पैनलाइज किया आप लोगों ने, सोनाली कुलकर्णी है, सिद्धार्थ है, क्या खास बात लगी है कि यही होने चाहिए और भी हो सकते हैं? जी, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि शिमारू मी ऐप जो है, या जो यूट्यूब चैनल है, हम सब तरह से उसका, एक तो मराठी ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से तहे दिल से उसको वेलकम करेगा, क्योंकि इनका एक इमेज जो है शिमारू, ये नाम जो, ये ब्रांड जो है, वो हमारे निजी ज़िंदगी से कनेक्ट हो चुका है, और इसलिए इनके शिमारू में सारे बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है, और सोनाली और सिद्धार्थ को लेने का यही एक कारण था कि शिमारू के साथ उनका एसोसिएशन से पहले से अच्छा था, एक दोनों आज के यूथ के एक आइकॉन है सोनाली और सिद्धार्थ, तो ये एक आइडियल कास्टिंग थी, वहाँ से सर का अप्रूवल हुआ और बहुत सही तरीके से हम लोग आगे चले गए, क्योंकि अच्छी चीज़ करने के लिए हिरन भाई जैसे भी लोग सपोर्ट करने चाहिए, तब ये चीज़ें आगे बढ़ती है, और हमारे मराठी कलाकारों को शिमारू के साथ काम करने में अभी भी दिलचस्पी, और भी नए नए प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं इन फ्यूचर में भी, तो वो करने का कारण ये था कि अभी मराठी के लिए जो आइडियल जो फेस है, और जो लगे भी कि जिनकी शादी अब तक बाकी है, इसलिए सोनाली और सिद्धार्थ को कास्ट करने का हमने सोचा, हालांकि बहुत सारे नाम थे हमारे सामने, लेकिन ये जो फेस जो है वो बहुत अपीलिंग है, और सबसे बढ़िया ये दोनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कई हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर और इस पर, तो उसका सारा टोटलिटी हम सोच के ही उसको ये किया। तो जी मैं मराठी से रिलेटेड, जी देखिए मेरा एक मतलब मेरा ये कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट इंडिया के लिए या अभी के जनरेशन टेक्नीशियन के लोगों के लिए दिया है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मतलब यह होता ना कि मराठी में कहावत है कि स्वतंत्र म्हणजे स्वैराचार नहीं, मतलब फ्रीडम मतलब आपके लिए कुछ भी करे ऐसा नहीं होता, तो एक थोड़ा सा गरिमा रख के हम अगर चीज़ों को बढ़ाएंगे अच्छी तरह, जैसा भक्ति के बारे में बहुत सारे अच्छे काम शिमारू में हो रहे हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर जो लोगों तक पहुँचे, जो लोगों की अभी नीड है, और अभी सर्कल पूरा हो रहा है, लोगों ने पूरा सारी चीज़ें देख कर अब लोगों को पता चला कि कंटेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि जब नए नए यूट्यूब के यूट्यूब चैनल्स कुछ आए थे तब लोगों को सब अवेक कुछ भी दिखा रहे थे मतलब, तो वो अभी कम हुआ है, अब लोगों को देखना है कंटेंट, और कंटेंट वो अच्छा हो, अपने कल्चर से रिलेटेड हो तो बहुत बढ़िया है, और उसमें कहानी इंटरेस्टिंगली हो तो बहुत अच्छा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ा चांस मिला है इतने लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचने, कि वहां तक हम लोग अच्छी चीज़ें लेके जाएं जो आगे आने वाले जनरेशन को उस पर कुछ फ़ायदा हुए। सर कहीं ना कहीं लेट कर दिया ऐसा नहीं लगता आपको, क्योंकि काफ़ी आ चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म, और शिमारू काफ़ी पुरानी कंपनी है, इससे पहले भी और भी पहले आ सकती थी, इसके लिए क्या कहते हैं आपके साथ? आज की डेट में जो एस्टिमेट है डिजिटल वीडियो कंज्यूमर्स की, ये 300 मिलियन 30 करोड़ के आसपास की है, और अगले 4 से 5 सालों में ये 700 से 800 मिलियन, मतलब
70-80 crore जाने तक की उम्मीद है, मतलब यहाँ से भी 2.5-3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। तो ये कोई मैं नहीं समझता हूँ कि लेट कहीं पे है। इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज था वहाँ पे लिमिटेड यूज़र्स थे, लिमिटेड कंज्यूमर्स थे, तो उनकी जो प्रेफरेंस थी वो बहुत ही अलग थी। और अभी हम जो देख रहे हैं जैसे जैसे ग्रो हुए, अभी जो रीजनल, क्योंकि जो अभी नए कंज्यूमर आ रहे हैं उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रीजनल, ज़्यादा अलग अलग टाइप का कंटेंट है। और इसीलिए इनफैक्ट हमारे तो हमने शुरुआत की थी इंडिया खुश हुआ से, और अभी जब भी हमने लॉन्च किया ये हमारा ऐप, तो हमारा मेन मोटो क्या है कि असली फैन को हमारा सलाम। तो हम देख रहे हैं कि ये भी जो वेब सीरीज़ है मनातल्या मनात, ये भी एक मराठी के जो असली फ़ैन हैं उनको एक हमारा सलाम है, उनके लिए हमारी एक ये पेशकश है। बहुत बढ़िया। एक होता है ना कि एक डायरेक्टर को, हालांकि मैंने हैव डन 12 मूवी की है सचिन खेड़ेकर से लेकर सारे लोगों के साथ, अशोक शराफ के साथ काम किया, तो वो और अभी के जनरेशन के ये कलाकार हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये सारे दोनों जो आर्टिस्ट हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। एक तो आर्टिस्ट होना अलग बात है और समझदारी होनी बहुत अलग बात है, और ये बहुत अच्छे समझदार आर्टिस्ट हैं, तो जो डायरेक्टर को बहुत इजी हो जाता है, वहाँ से आगे मेरी बात बढ़ती है उनको बताने के लिए, और बहुत कोऑपरेटिव है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। और इन्होंने जो मैंने 10% चीज़ सोची थी उसको उन्होंने 100% कर लेके कि जो ये है उसकी प्रशंसा तो मैं इन दोनों के लिए करूँगा, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में आर्टिस्ट एक औजार होते हैं, वो ढंग के मिल जाए तो उससे कुछ अच्छी चीज़ें बनती है, अगर औजार में कुछ गड़बड़ हो तो कुछ चीज़ बनने में ये हो जाता है। तो थैंक्स टू कैफे मराठी एंड शेमारो कि जिन्होंने मुझे अच्छे औजार दिए जिसकी वजह से ये चीज़ मैं आपके पास तक पहुँचा रहा हूँ। अगर लोगों को ये वेब सीरीज काफ़ी पसंद आए जो नॉर्मल हो रहा है, तो इसके आगे भी बन पाएगी, कंटिन्यूएशन होगा? मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है मनातल्या मनात, अगर हम इसी को अगर लें तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्काई इज़ द लिमिट मेरे ख्याल से। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि लोग ज़रूर देखें इसको और पसंद करें, ताकि इसमें और आगे काम करने के लिए हमारे भी यू नो हमारा हौसला और बढ़े। जी जी, अरे बेशक सीजन भी निकल सकते, क्योंकि कंटेंट तो अभी लोगों को जैसा पसंद आता है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज होती है। अब अगर ये कंटेंट लोगों तक पहुंचा, लोगों को अच्छा लगा, तो उसका आगे का भी वर्जन जो है वो हो सकता है आगे।